हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। हम ये भी बात करेंगे डेवलपमेंट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम डेवलपमेंट के प्रॉपर मीनिंग की भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम डेवलपमेंट के प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और उसका सही जवाब देने वाले विनर्स का नाम अनाउंस होगा हमारे अगले वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट वर्ड होता क्या है, आखिर इस डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। सिंपली अगर आपको पता होगा कि डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले से बेटर करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने नाइन्थ क्लास में एग्जाम में आपने 85% सिक्योर किए और आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम है टेंथ में आपने डिजायर किया कि आप 95% सिक्योर करेंगे और आपने 95% सिक्योर कर लिया, तो क्या बोला जाएगा इस चीज़ को? डेवलपमेंट बोला जाएगा। जी हाँ, तो डेवलपमेंट का मतलब कहा जा सकता है कि पहले वाली पोजीशन से, प्रीवियस कंडीशन या प्रीवियस पोजीशन से अगर हम बेटर कंडीशन में हो, उससे ज़्यादा मॉडिफाई कर पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक, पर सवाल ये आता है, क्या डेवलपमेंट सभी के लिए ज़रूरी है? क्या डेवलपमेंट सबका समान होता है या सबको एक जैसा ही डेवलपमेंट चाहिए या हर किसी को डेवलपमेंट सेम चाहिए? हम इस तरह की बातें पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम और ज्यादा डीप मीनिंग समझ लेते हैं किसका? डेवलपमेंट का। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डेवलपमेंट के बहुत ही डीपली मीनिंग की बात करें, अगर उसके हम एग्जैक्ट टर्म की डेफिनेशन की बात करें, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स एंड प्लानिंग थ्रू विच डिजायर्स कैन बी फुलफिल्ड। डेवलपमेंट का मतलब होता है सोचना, हमारी सोच। किस तरह की सोच? कि हम अपने एस्पेक्ट्स और प्लानिंग के बारे में सोचिए जिससे आपके जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स, वो फुलफिल हो जाए। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि हम जो भी तरीका अपनाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी नज़रिए से हम देखते हैं और विभिन्न विभिन्न पहलुओं को यानी अलग अलग चीज़ों को जोड़कर प्लानिंग करते हैं और फिर अपने मन की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, उसे ही कहते हैं डेवलपमेंट। अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूँ तो क्या कहा जा सकता है? द प्रोसेस थ्रू विच वी प्लान आवर डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड, है ना? वो प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमारी इच्छा क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सरल किया जाए डेवलपमेंट की डेफिनेशन को, तो हम जो चाहते हैं अगर वो पूरा हो जाए तो इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट। और हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हुआ तो उसको क्या कहा जाएगा? डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, देयर इज नो डेवलपमेंट। ठीक, तो इस तरह से डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी जा सकती है। और हम बात करें, आपने डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन की बात कर ली है कि हम जिस प्लानिंग और एस्पेक्ट से सोचते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। तो और थोड़ा सा हम अगर डीपली बात करें तो ये जो डेवलपमेंट है ये सबके लिए एक समान नहीं होता है। याद रखिए, डेवलपमेंट कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक जो फेलियर स्टूडेंट है, एक ऐसा स्टूडेंट जो फेल होता आया है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? 100% ला लेना या पास हो जाना। और जो 90% लाने वाला बच्चा है, उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है? बस फेल होने से बच जाना या 90% से ज्यादा ला लेना, क्लास में टॉप कर जाना। तो देखिए, दोनों के डेवलपमेंट गोल्स अलग हो गए। अगर आपको मैं और दूसरा एग्जांपल दूँ, एक लेबर पर्सन है और एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन है। एक लेबर है, बहुत ही गरीब मजदूर है, और एक बिजनेसमैन है रिच। तो लेबर का जो डिजायर होगा, लेबर का जो डेवलपमेंट होगा वो कब होगा और बिजनेसमैन का डेवलपमेंट कब होगा? बिजनेसमैन का डेवलपमेंट तब होगा जब वो और ज्यादा उसका बिजनेस फैलेगा, उसका नाम फैलेगा, उसको फेम मिलेगा ना। उसके पास पैसा तो ऑलरेडी है, उसके पास और पैसा आएगा, और डेवलपमेंट होगा। उसका कब माना जाएगा? जब वो बहुत ही क्या हो जाए, और ज्यादा रिच हो जाए, उसका नाम और ज्यादा हो जाए, उसका बिजनेस और ग्रो अप हो जाए। लेकिन इस फार्मर का डेवलपमेंट क्या होगा? उस फार्मर का डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि फार्मर बहुत रिच हो जाए? फार्मर का डेवलपमेंट भी यही होगा कि उसका बिजनेस बहुत बढ़े? जी नहीं। फार्मर का डेवलपमेंट ये होगा कि उसके खेतों में अच्छी फसल उगे, उसकी क्रॉप अच्छी उगे, और अच्छी क्रॉप उगने के बाद, उस क्रॉप को बेचने के बाद जो प्राइस मिले वो भी अच्छा मिले। ये क्या है? फार्मर का डेवलपमेंट है। तो इन दो एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि डेवलपमेंट वेरी करता है, यानी अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है? अलग अलग होता है। एक टीचर के लिए डेवलपमेंट ये है कि उसका स्टूडेंट क्या करे? अच्छा परफॉर्मेंस करे। एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट क्या है? उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो दो तरह के पर्सन है और दोनों के डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है? पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। तो यही कहा जाता है डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट,
रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। ठीक, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो कि इसके पहले हमने कंट्रीज के बारे में पढ़ा कि जो कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं बहुत अमीर हो गए, बहुत डेवलप हो चुकी हैं, और कुछ कंट्रीज जो है अंडर डेवलपिंग है यानी गरीबी से धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ रही हैं, कुछ जो पहले से पूरी गरीबी हटा चुकी है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, तो उस अमीर कंट्री का फॉर एग्जांपल अमेरिका और उस गरीब कंट्री का फॉर एग्जांपल नेपाल या भूटान, इन दोनों कंट्रीज के डेवलपमेंट के गोल्स अलग हैं। नेपाल और भूटान चाहेगा कि उसका जो हालत है वो थोड़ी डेवलप हो जाए, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी हो, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करे, है ना, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करे, वो साइंटिफिकली डेवलप करे, स्पेस एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो, उनकी आर्मी और स्ट्रांग बने, ये सारी चीज़ें वो चाहेंगे। तो डेवलपमेंट का जो गोल होता है अलग अलग कंट्रीज में अलग होता है, अलग अलग रीजन में डेवलपमेंट अलग होता है। सिंपल एग्जाम्पल है हम इंडिया का, तो जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं और जो मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, इन दोनों के डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मेन डेवलपमेंट क्या है कि वहाँ से टेररिज्म खत्म हो जाए। एमपी के लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है, टेररिज्म खत्म हो जाए, जी नहीं, हमारे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसमें तो हम ऑलरेडी डेवलप हैं। हमारे लिए क्या है मेन मुद्दा कि यहाँ जॉब्स ज़्यादा मिल जाए, है ना, यहाँ अगर जॉब्स ज़्यादा होंगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा। यानी एक ही कंट्री में तो अलग अलग रीजन में तो अलग अलग स्टेट्स में डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, अलग अलग हैं। डेवलपमेंट का गोल बिल्कुल अलग अलग होता है हर किसी के लिए, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। चलिए हम डेवलपमेंट की तीसरी बात को ध्यान में रखते हैं। तीसरा बात क्या कहता है डेमोक्रेसी का, सॉरी डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से आ सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पावर शेयरिंग चैप्टर, तो पावर शेयरिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं अपनाएगी, वेजिटेरियन पॉलिसी अपनाएगी, तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हुआ क्या, नहीं, वहाँ तो झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नेशन को डिवाइड करने की बात आ गई और दोनों कम्युनिटी के थाउजेंड्स ऑफ पीपल की लाइफ भी गई, यानी थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे भी गए, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं अपनाएगी। और वहीं बात करें हम बेल्जियम की, तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने तो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को चार बार अमेंड किया, है ना, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे हर रीजन में, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस थी जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे जाने नहीं गई लोगों की, वहाँ पे डेथ नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, और तो नेशन डिवाइड करने की भी बात नहीं हुई वहाँ पर। तो इससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से ही आ सकता है, साथ ही साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमने ये सीखा कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, हमने ये सीखा कि हम जो भी सोचते हैं, हमारी सोच किस तरह की थिंकिंग, कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, अपने चीज़ों को वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि हमें कैसे अपने इच्छाओं की पूर्ति करना है ना, वो द प्रोसेस थ्रू विच वी ट्राई टू फुलफिल आवर डिज़ायर, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वही क्या कहलाता है डेवलपमेंट, यानी सोचना, कोशिश करना और डिजायर फुलफिल हो जाना, तीनों मिला के क्या होगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज, सिर्फ सोचने से डेवलपमेंट हो जाता है क्या, नहीं, सिर्फ प्रोसेस करने से डेवलपमेंट हो जाता है क्या। मान लीजिए आपने कोशिश की, आपने सोचा कि आपको पास होना है एग्जाम में, आपने पढ़ाई भी की लेकिन आप फिर भी पास नहीं हुए, तो आपने पहली प्रोसेस पास की, जो डेवलपमेंट की तीन प्रोसेसेस हैं आप समझ लीजिए क्लियरली। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफली और बात करते हैं, आपको डेवलपमेंट की तीन चीजें हैं, तीन प्रोसेस। पहला तो थिंकिंग, डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, थिंकिंग। दूसरा प्रोसेस, थिंकिंग मतलब प्लानिंग भी बोल सकते हैं, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा जो होता है डिजायर का फुलफिलमेंट होना, है ना, फुलफिलमेंट। तो कोई भी डेवलपमेंट में ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक, और ये तीनों साथ में होंगी तो ही आपका डेवलपमेंट अचीव होगा। आपने प्लान कुछ किया ही नहीं तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस तो कर ही नहीं पाओगे, तो डेवलपमेंट तो आएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अगर आपने सोच भी लिया, मान लीजिए, लेकिन आपने कोई काम ही नहीं किया, आपने सोच लिया आपको फर्स्ट रैंक लाना एग्जाम में, लेकिन आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई हार्डवर्क नहीं किया, तो आप क्या डेवलपमेंट ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, तो वो डेवलपमेंट तब भी नहीं आएगा, ठीक। लेकिन आप अगर सोच भी रहे हो, आपने प्लान भी कर लिया और आपने हार्डवर्क भी किया, ठीक, और लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करेक्ट हुए और आपके क्वेश्चन गलत हो गए और फिर भी एग्जाम में पास नहीं हो पाए, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर थिंकिंग होगी, प्रोसेस होगी, तो जाके हमारे डिजायर फुलफिल होंगे। हम सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, सोचने के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना होगा, तब जाके क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ये तीन बातें हमारे सामने क्लियर है इस वक्त डेवलपमेंट को लेकर,
डेवलपमेंट की पहली बात डेफिनेशन कि डेवलपमेंट क्या होता है कि ह्यूमन जो सोचते हैं जिस भी तरीके से प्लानिंग से अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है डेवलपमेंट, है ना। थिंकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स एंड प्लानिंग थ्रू विच डिजायर्स कैन बी फुलफिल्ड इज नोन एज डेवलपमेंट। यही तो डेवलपमेंट का मीनिंग है। दूसरी बात कि डेवलपमेंट जो है हर किसी के लिए अलग होता है, हर रीजन के लिए अलग होता है ना, चेंज हो सकता है। ठीक, डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। यानी अलग देश के लिए अलग डेवलपमेंट, अलग पर्सन के लिए अलग डेवलपमेंट होता है। ठीक, इसका और भी डिटेल में एग्जांपल हम आपको क्लियर कराएंगे आगे चल के। और तीसरी जो बात हमने डेवलपमेंट के मीनिंग से समझी कि तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक ही चीज से अचीव की जा सकती है। किस चीज से? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से। इसका बेस्ट एग्जांपल हम पावर शेयरिंग चैप्टर में श्रीलंका और बेल्जियम का देख चुके हैं कि बेल्जियम ने डेवलपमेंट किया क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी, जबकि श्रीलंका में नहीं थी तो वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं अचीव हुआ। तो ये बात तो क्लियर है, तीन बातें। तो ये हमने डेवलपमेंट की ब्रॉडर मीनिंग के बारे में बात की है। चलिए अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट में और चीजें क्या इन्वॉल्व होती है, डेवलपमेंट का गोल क्या होता है और डेवलपमेंट से क्या होता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, है ना। डेवलपमेंट अगर होगा तो आगे क्या हो, डेवलपमेंट के बाद की स्टेप क्या होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि डेवलपमेंट अपने साथ क्या क्या लाता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। इसका मतलब अगर डेवलपमेंट होगा तो और क्या क्या होगा, ये बातें भी हमें जाननी जरूरी है। तो देखिए, दो चीजों की यहाँ पर गारंटी है। अगर डेवलपमेंट होगा तो कौन सी दो चीजें होंगी उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर डेवलपमेंट कहीं एग्जिस्ट करता है, अगर कहीं डेवलपमेंट वाली प्रोसेस हो रही है या डेवलपमेंट होने वाला है या हम डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये चीजें भी जरूर वहां एग्जिस्ट करेंगी। कौन सी चीजें? सबसे पहली बात कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। सबसे पहली बात यही है कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल होता है, ये सबसे पहला चीज है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस करें लेकिन इसको और एग्जाम्पल के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा कि वंस डेवलपमेंट में भी एक्सप्लोटेशन फॉर अदर, एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, ये भी डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है। एक का हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है, चांसेस हैं कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। इसकी बात हम करने वाले हैं। इन दोनों जो पॉइंट्स को हम बहुत ही डिटेल में कवर अप करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रॉमिस है डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट क्या कर सकता है, कि वो पहला प्रॉमिस ये है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डेवलपमेंट के पहले पर्सपेक्टिव यानी कि पहले प्रॉमिस की बात करें, तो डेवलपमेंट एक चीज प्रॉमिस करता है कि जहां पे भी डेवलपमेंट एग्जिस्ट करेगा वहां पर एक जरूर चीज होगी। कौन सी चीज? कि डिफरेंट पीपल के लिए डेवलपमेंट के जो गोल्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। यानी अलग लोगों के लिए अलग प्रकार के उनके डिजायर्स होंगे, अलग उनकी नीड्स जरूरतें होंगी, और उसी प्रकार उनका डेवलपमेंट का गोल भी क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक फार्मर का और बिजनेसमैन का, अभी एग्जांपल फिर मैंने टीचर और एक स्टूडेंट का दिया था। टीचर का डेवलपमेंट क्या होता है कि उसके स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करे। एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट गोल क्या होता है कि उसे अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे ग्रेड्स मिले, है ना। तो हर एक का डेवलपमेंट का गोल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। और तो और हम बात करते हैं, एक गर्ल और एक बॉय का एग्जाम्पल लेते हैं। एक गर्ल जो होती है, दो ब्रदर सिस्टर की बात कर लेते हैं, एक सिस्टर है एक ब्रदर है। तो जो ब्रदर है वो क्या करता है, उसे बहुत सारी फ्रीडम मिली हुई है, वो घर के बाहर जा सकता है, रात में भी घूम सकता है देर तक, इवन पेरेंट्स उसको अब्रॉड स्टडीज के लिए, है ना, बाहर स्टडीज के लिए भी भेज देते हैं। बट वो गर्ल्स के मैटर में ऐसा नहीं हो पाता है, गर्ल्स को उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। गर्ल्स की सेफ्टी के परस्पेक्टिव से उन्हें कम फ्रीडम अचीव होती है एज कम्पेयर टू देयर ब्रदर, है ना। तो उस गर्ल के लिए डेवलपमेंट क्या है, उसे भी उसे अपने भाई की तरह क्या मिले, डेवलपमेंट छूट मिले, फ्रीडम मिले, तो उसका क्या हो जाएगा, अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। जबकि उसका भाई जिस पोजीशन में होगा, जिस कंडीशन में होगा, वो डिमांड करेगा कि उसे और ज़्यादा फ्रीडम मिले, उसे और ज़्यादा बाहर जाने मिले, है ना, उसे और ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए जिस भी कॉलेज में वो स्टडी करना चाहता हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी फील्ड में जाना चाहता हो, उसे जाने मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बात की तरफ इशारा करती हैं कि डिफरेंट पीपल के गोल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर आपको मैं कैपिटलिस्ट क्लास की बात करूं, यानी एक कंपनी चलाने वाला ऑनर और उसमें काम करने वाले लेबर्स, तो एक लेबर का हमेशा डिमांड क्या होगा डेवलपमेंट के लिए, कि उसे पेमेंट क्या हो, ज्यादा मिले, उसका जो वेज है वो इंक्रीज हो जाए, उसके दिन की मजदूरी क्या बढ़ जाए, वो लेबर का बता रहे हैं हम डेवलपमेंट। अब वही उसके मालिक का डेवलपमेंट क्या होगा, कि उसके कंपनी में ज्यादा प्रोडक्शन हो, उसके यहाँ ज्यादा मशीन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो और ज्यादा बने, है ना, दिन ब दिन उसका प्रॉफिट बढ़ता जाए, तो ये होना चाहिए। यानी लेबर के लिए तो दूसरा डेवलपमेंट गोल है, जबकि उसका जो ऑनर है उसका डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है।
तो इस तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट के गोल्स डिफरेंट होते हैं। और थोड़ा सा मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और हम जैसे आम सिटीजन्स होते हैं, हमारा डेवलपमेंट गोल क्या है कि पॉलिटिकल लीडर हमारे लिए वर्क करे। पॉलिटिकल लीडर का डेवलपमेंट क्या है कि उसे चुनाव में, इलेक्शन में वोट मिले और वो जीत जाए, वो मिनिस्टर बने। तो इन दोनों के डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के डेवलपमेंट गोल्स क्या है, पूरे डिफरेंट है। इन दोनों को पहले सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी होती है, फिर प्रोसेस करना होता है, और उसके बाद उनके डिजायर्स की, इच्छा की पूर्ति होती है। यानी वो जो चाहते थे अगर वो हो गया, मिनिस्टर मिनिस्टर बन गया, और हम जो चाहते थे मिनिस्टर ने वो डेवलपमेंट का काम कर दिया, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट एक चीज प्रॉमिस करता है कि डिफरेंट लोगों के जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के दूसरे प्रॉमिस की। जी हाँ, दूसरा जो प्रॉमिस डेवलपमेंट का है वो कहता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए एक्सप्लोटेशन भी हो सकता है। तो क्या ये बात सही है और किस एक्सपेक्ट में सही है, चलिए हम इस बात को डिस्कस करते हैं। तो हमारे डेवलपमेंट का जो दूसरा प्रॉमिस है वो ये कहता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोटिव हो सकता है। वंस डेवलपमेंट में भी एक्सप्लोटेशन फॉर अदर्स, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, और ये बात किन टर्म्स में कही है, चलिए उसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि कहीं पर डैम बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, पावर प्लांट का मालिक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए डैम बनाएगा। तो जहां भी वो डैम बनाएगा वहां आसपास के गांव के लोगों को उस जगह को छोड़कर कहीं और घर बसाना पड़ेगा, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। इतने सालों से वो जब जहां पर रह रहे हैं, है ना, उनके साथ वहां पे मेमोरीज जुड़ी हैं, है ना, तो वो सारा चीज उन्हें छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ वहां के नेचुरल इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, बायोलॉजिकल चीज़ों को, नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को भी डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा। तो पावर प्लांट वाले का डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन उस डैम बनाने के चक्कर में कितने लोगों को परेशानी हुई। यानी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या होगा, एक्सप्लोटेशन। अगर मैं आपको यही बात एक और सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जैसे फिर से लेबर और वो बिजनेस जो उनका मालिक होता है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, उन दोनों का एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ। तो जो लेबर है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, उससे ज़्यादा पेमेंट मिले, जबकि अगर जो ऑनर है, मालिक है, अगर वो ज़्यादा पेमेंट देने लग जाए तो उसको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर लेबर को फायदा होगा, यानी लेबर का डेवलपमेंट हुआ, तो इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक ऑनर का क्या हो जाएगा, एक्सप्लोटेशन। और अगर वो पेमेंट कम देता है अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को पेमेंट कम देता है, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उसके वर्कर्स को पेमेंट कम मिला, तो उसके वर्कर्स का क्या होगा, एक्सप्लोटेशन। तो इसी टर्म में ये बात कही गई है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या हो सकता है, एक्सप्लोटेशन हो सकता है, है ना। कहीं पर डैम बनता है, रोड बनता है, रोड बनेगा तो क्या होगा, गांव के बीच से रोड जा रहा है तो उस रास्ते में आने वाले सभी घरों को तोड़ना पड़ेगा। रोड बन गया तो बाकी पीपल्स के लिए तो बहुत आसान हो गया, गाड़ी चलाना बहुत बेटर हो गया उनके लिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उनका डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन उसके वजह से जिनका घर टूटा है उनके लिए क्या हो गया, एक्सप्लोटेशन हो गया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या हो सकता है, एक्सप्लोटेशन भी हो सकता है ना। एक का डेवलपमेंट हमेशा दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होता, कई बार वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है ना। डेवलपमेंट फॉर ऑफ वंस में ऑलवेज नॉट रिजल्ट इन डेवलपमेंट फॉर अदर्स, समटाइम इट रिजल्ट्स इनटू डिस्ट्रक्टिव और एक्सप्लोटेशन फॉर अदर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यही दो चीजें डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है। सबसे पहले चीज डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। दूसरी चीज प्रॉमिस करता है डेवलपमेंट कि वंस डेवलपमेंट मे बी डिस्ट्रक्टिव और एक्सप्लोटेशन फॉर अदर्स। यानी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, दूसरे के लिए एक्सप्लोटेशन हो सकता है। तो ये दो बातें हमें क्या रखनी है, बहुत ही ध्यान रखनी है। ये डेवलपमेंट के प्रोमिसेस हैं। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है डेवलपमेंट का क्राइटेरिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि डेवलपमेंट पाने का क्राइटेरिया क्या है। क्या डेवलपमेंट सिर्फ पैसा कमा लेना ही कहलाएगा, या डेवलपमेंट अपने डिजायर्स को फुलफिल कर लेना वही सिर्फ डेवलपमेंट होगा। इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एक ऑफिशियल एक आइडियल डेवलपमेंट की बात करें, आइडियल डेवलपमेंट कैसा होता है, आइडियल डेवलपमेंट मतलब हमारी सारे इच्छाएं, हमारे सभी डिजायर्स के, है ना, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होना, ऑल डिजायर का फुलफिलमेंट होना ही क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। अगर हम डेवलपमेंट को देखें कि किसी ने डिजायर किया कि उसका डेवलपमेंट है कि वो अगर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है, उसे गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब क्या मिल सकती है, एडमिशन मिल सकती है, उसके बाद उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो डेवलपमेंट हो गया। बट मान लीजिए किसी का डिज़ायर है सुसाइड करना, किसी का डिज़ायर है कि उसे मरना है, खुदकुशी करनी है, तो अगर वो खुदकुशी कर भी लेता है, डेथ हो भी जाती है, तो क्या ये डेवलपमेंट हुआ, नहीं, सोचने वाली बात है ना।
डेवलपमेंट हमेशा डिजायर्स का फुलफिलमेंट नहीं कहला सकता ना। अब आपकी इच्छा किसी का मर्डर कर देना, आप गए उसका मर्डर कर दिया, तो ये आपका डेवलपमेंट है जी नहीं, आपको सजा होगी, आप जेल जाएंगे, तो ये आपका डेवलपमेंट नहीं है। तो सिर्फ डिजायर्स का फुलफिलमेंट ही डेवलपमेंट नहीं कहलाता, ये भी ध्यान रखना है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इच्छाओं की पूर्ति कर लेना ही डेवलपमेंट है, जी नहीं, डेवलपमेंट सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति नहीं कहलाता। तो सवाल ये आता है, सिर्फ अपनी मन की इच्छा पूरी होना डेवलपमेंट नहीं है, तो डेवलपमेंट है क्या, कि कैसे डेवलपमेंट हासिल किया जाएगा? तो क्या ज्यादा पैसा कमा लेना है ना, इनकम कमा लेना, यानी ज्यादा इनकम है आपकी, यानी अगर आप ढेर सारा पैसा कमा रहे हो तो क्या आपका डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, डेवलपमेंट तो होगा। क्या 100% डेवलपमेंट होगा? पूरा डेवलपमेंट जैसा आप चाहते थे वैसा डेवलपमेंट होगा क्या? आप देखेंगे जो वर्ल्ड के इतने अमीर अमीर लोग हैं, करोड़पति अरबपति है ना, बिलियनियर्स हैं मिलियनियर्स हैं, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई हुए हैं क्या? क्या उन्होंने पैसा कमाना बंद कर दिया, या फिर उन्होंने जो भी काम करते उस काम को बंद कर दिया क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्हें अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, यानी अभी भी उनका डेवलपमेंट क्या है, अचीव नहीं हुआ है, या फिर उनका डेवलपमेंट और बड़ा हो गया है। पहले उनका डेवलपमेंट गोल था मिलेनियन बनना है ना, फिर मिलेनियर से और बिलेनियर बन गए, ये उनका डेवलपमेंट गोल होता है, बढ़ते जाएगा ना। तो डेवलपमेंट का गोल जो होता है वो कभी स्टॉप भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं डेवलपमेंट स्टॉप हो गया। आपने एक बार 9th क्लास में क्या कर लिया, बहुत अच्छे परसेंटेज ला लिए, और फिर 10th में आपके परसेंटेज खराब हो गए, तो आपने 8th में सोचा था ऐसा कि अच्छे परसेंट आएंगे, तो 9th में ला लिया तो आपका डेवलपमेंट हो गया, तो क्या आपका डेवलपमेंट वहीं पर खत्म हो गया हमेशा के लिए? जी नहीं, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलेगी, याद रखिएगा, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने एक गोल अचीव किया तो दूसरा गोल सेट होता है, उसको भी अचीव करना पड़ता है, उसको अचीव कर लीजिए, फिर तीसरा गोल सेट करना होता है, उसको भी अचीव करना होता है। तो डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, याद रखिए, जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब सवाल ये आता है, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है, किस पर्सन को हम बोलेंगे कि उसने डेवलपमेंट हासिल कर लिया? देखिए, अगर सिंपली हम एक लेबर, एक वर्कर की बात करें, ठीक, बार बार हम लेबर या वर्कर का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी मतलब आर्थिक, मतलब ऐसी एक्टिविटीज से पैसा कमाया जाता है, तो हम बार बार एग्जांपल वही चूज करना है जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, याद रखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड हम एग्जांपल नहीं चूज कर सकते, हमें क्या एग्जांपल चूज करना होगा, इकोनॉमिक कनेक्ट, जो कनेक्टेड होगा वही। तो इसलिए बार बार हम लेबर का ही एग्जांपल, वर्कर का ही एग्जांपल, इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन या पढ़ाई करने वाले टीचर स्टूडेंट, इनके ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। तो आपको भी एग्जाम में जब भी ऐसे कुछ सवाल लिखने होते हैं, जवाब देना होता है, तो आपको हमेशा ऐसा एग्जाम्पल चूज करना होगा जो इकोनॉमिक रिलेटेड हो, याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है। ये जो भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिकली रिलेटेड होने चाहिए इन सब चीजों से। तो अगर मैं एक वर्कर का उसके डेवलपमेंट गोल की बात करूं, तो उस वर्कर को क्या लगता है, उसकी डिजायर्स क्या होती है, वो क्या सोचता है कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि उस वर्कर को पहले 8000 पेमेंट मिलता था पर मंथ, 8000 रुपीज पर मंथ उसकी इनकम है, ठीक। फिर वो देखता है कि उसे, उसकी एक डिजायर तो कंफर्म होगी, सभी आप सब भी जान रहे हो कि उसकी डिजायर ये होगी कि उसको 8000 से ज्यादा पेमेंट मिले। अगर उसको कहीं पर 10000 पेमेंट मिल रहा है, इनकम है, तो उसको डेवलपमेंट मान लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन वो एक क्या करता है, वो पर्सन एक कंपनी में था तो उसको 8000 पेमेंट मिलती थी, उसने वो जॉब छोड़ के एक ऐसी कंपनी में गया, ऐसी इंडस्ट्री में गया जहां पे उसको 10000 पेमेंट मिलता है, उसका इनकम क्या है, बढ़ गया है, अब उसे 10000 तनख्वाह मिलती है, तो क्या ये डेवलपमेंट है? आप ऑब्वियसली कहोगे हाँ ये तो डेवलपमेंट है, पर यहाँ पर एक बात है, उसको 8000 वाली कंपनी में मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज है ना, उसे दूसरी सुविधाएं, अच्छा पानी पीने की सुविधा, वहां का जो इन्वायरमेंट था उससे रिस्पेक्ट से बात की जाती थी है ना, उसे घूमने के लिए छुट्टी भी मिला करती थी वीकली, और उस पर काम का प्रेशर भी ज्यादा नहीं बनाया जाता था, तो उसका जो इन्वायरमेंट था बहुत सही था। लेकिन जब वो 10000 वाली कंपनी में गया तो उसे 10 की जगह 12 घंटे काम करवाया जाता, ऊपर से उनके जो ऑनर्स होते वो डांटते चिल्लाते कि ज्यादा काम करो, खूब मेहनत से करो, क्योंकि ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, और तो और उनके लिए दूसरी बेसिक नीड जैसे पानी पीने की सुविधा, हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या वो 8000 कमाने वाला और 10000 कमाने वाला वर्कर एक ही, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा मायने था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था डेवलपमेंट के लिए, ये आपको सोचना है। सो स्टूडेंट्स, एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पर क्लियर हो चुकी पूरी तरह से, कि सिर्फ इनकम जो है वही डेवलपमेंट का क्राइटेरिया नहीं हो सकता, इनकम के साथ साथ हमें और भी चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज, साथ ही साथ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए होंगी, तब जाके हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट का। तो एक बात तो क्लियर है कि डेवलपमेंट अकेला इनकम नहीं हो सकता, बट हम क्या ये सोचते हैं कि
इनकम बहुत जरूरी है क्या? इनकम के साथ साथ दूसरी फैसिलिटी तो चाहिए, तब डेवलपमेंट है। लेकिन अगर इनकम घटा दे, सिर्फ फैसिलिटीज रखें, तो क्या डेवलपमेंट होगा क्या? चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। एक लेबर को कंपनी में काम करवाया जा रहा है, एक वर्कर वर्क कर रहा है वहां पर, लेकिन उसे वहां अच्छी फैसिलिटी मिलती है, पानी पीने की सुविधा है, एसी में उसे काम करना बैठ के, उसके साथ बहुत ही पोलाइटली रिस्पेक्ट से बात की जाती है, लेकिन उसे पेमेंट नहीं मिलती, उसे जो इनकम मिलनी चाहिए वो मिलती ही नहीं है। तो क्या वो क्राइटेरिया सही है? क्या वो डेवलपमेंट है? जी नहीं। यानी अकेले फैसिलिटीज भी हैं जो डेवलपमेंट नहीं करा सकती, लेकिन एक बात और है, एक पर्सपेक्टिव और है जिसे आपको सोचना चाहिए। चलिए छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, आपका एग्जांपल, आप बड़े हो गए 12th के बाद, आप क्या हो चुके, ग्रेजुएट भी हो चुके, पढ़ लिख भी लिया आपने, 22-23 ईयर्स की आपकी एज है, लेकिन आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको घर कोई लाके दे रहा है ना, आपको किसी ने घर बनाकर दे दिया, उस घर में रह जो भी सुविधाएं चाहिए होंगी, फर्नीचर वगैरह सब कुछ ला कर दे दिया आपको, डेली मंथली जो है जो भी सामान चाहिए, राशन किराना जो भी चाहिए वो सब मिलेगा, आपको कहीं घूमने जाना है कुछ भी, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे रहे हैं, हर जरूरत का सामान आप तक पहुंचा रहा है। तो क्या आपको पैसा कमाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब पैसे की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। जब आपको सारी चीजें मिल रही है, हम मनी जो है इनकम क्यों जनरेट करते हैं? ताकि हम उस इनकम से दूसरा सामान खरीद पाए। लेकिन जब सारा सामान आपको पहले ही खरीद के मिल रहा है, कोई लाकर दे रहा है, तो आपको पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ फैसिलिटी से काम चल सकता है, उससे डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इनकम से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट नहीं लिया जा सकता। जैसे आप देखो, किसी बिजनेसमैन का बेटा है, बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन का बेटा है, तो क्या वो कमाता है? अगर नॉर्मल है तो वो छोटा है, 12th में पढ़ रहा है या अभी जस्ट कॉलेज में है, तो नहीं कमा रहा होगा। उसके फादर जो होंगे इंडस्ट्रीज, वो तो सारी सुविधाएं उसे दे रहे हैं, तो क्या उसे कमाने की जरूरत है? नहीं, उसका तो डेवलपमेंट हो रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी इतनी सारी, उसके पेरेंट्स का हेल्प है, बैकअप है उसके पास, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बात कंफर्म है कि अकेला इनकम डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ठीक, लेकिन अकेले सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, मटेरियल गुड्स मिलके क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर कंफर्म होती है कि जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, यानी डेवलपमेंट का जो अचीवमेंट का जो क्राइटेरिया है, वो सिर्फ इनकम से नहीं आ सकता, है ना। इनकम के साथ क्या क्या चाहिए? मटेरियल गुड्स भी चाहिए। क्या चाहिए हमें? मटेरियल गुड्स भी चाहिए ना, तभी जाके क्या मिलेगा हमें? डेवलपमेंट अचीव होगा। लेकिन एक बात और है कि अगर इनकम नहीं भी है और हमें सारे मटेरियल गुड्स, सारे सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सारी हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, राशन पानी सब आ रहा है मंथली, हमें तो कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी इनकम नहीं भी रहा तब भी काम चल जाएगा। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो विदाउट इनकम भी अचीव किया जा सकता है ना। डेवलपमेंट बिना इनकम के भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन बिना मटेरियल गुड्स के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फैसिलिटीज के डेवलपमेंट गेन नहीं किया जा सकता। तो इतना हमें क्लियर हुआ कि डेवलपमेंट गेन करने के लिए क्या जरूरी है और डेवलपमेंट कैसे होता है, ये बातें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको दो जवाब देने हैं, दो पॉइंट में आपको जवाब क्या देना है कि डेवलपमेंट क्या है? मिक्स ऑफ गोल्स है। यानी सिर्फ एक गोल, पैसा कमाने से डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? पैसे के साथ साथ दूसरी फैसिलिटीज भी चाहिए, ठीक, तो क्या होगा? डेवलपमेंट। दूसरी बात कि डेवलपमेंट में दोनों चीजें आती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, साथ ही साथ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पैसा, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब बेसिक फैसिलिटीज, अच्छा इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो ये डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है। अगर आप सिंपल एग्जांपल लो कि बहुत सारा, बहुत पर्सन एक ऐसे होंगे जो अमीर होंगे, बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास हर सुख सुविधा है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में इतना सारा पॉल्यूशन है कि उन पर्सन को भी प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, अमीर हो या गरीब सभी को प्रॉब्लम होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इतना पैसा है, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो पॉल्यूशन फ्री एयर जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होनी ही चाहिए और ये हमारे डेवलपमेंट का क्या है? क्राइटेरिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। जी हाँ, जिस तरह से हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात की है, अब वैसे ही बात करने वाले हम नेशनल डेवलपमेंट की। अब हम बात करने वाले हैं पूरे राष्ट्र के डेवलपमेंट की। तो चलिए हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट को। तो जिस तरह से इंडिविजुअल के गोल्स डिफरेंट होते हैं, जिस प्रकार एक पर्सन का गोल दूसरे पर्सन के से अलग होता है, उसी तरह से नेशन का भी डेवलपमेंट पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि नेशन लोगों से ही तो मिलकर बनता है, डिफरेंट टाइप के पीपल ही तो नेशन फॉर्म करते हैं। तो उस नेशन का भी गोल क्या होगा? डिफरेंट होगा पूरी तरह से। और तो और जो नेशनल गोल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, और साथ ही साथ ये डिफरेंट गोल्स जो है ना नेशन के डेवलप करने के, वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी होंगे, कई बार झगड़े वाले होंगे। नेशनल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग। जो नेशनल डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं? झगड़े वाले होते हैं,
यानी मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया पूरे देश के भले के लिए, तो कुछ लोग उसका अपोज करेंगे कि उससे क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, कई बार झगड़े के कारण या फिर विवादास्पद भी होते हैं, दे आर ऑफर कॉन्फ्लिक्टिंग। और तो और इतने सारे झगड़े, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट विवाद होने के बाद आखिर कौन सा क्राइटेरिया चुना जाएगा, है ना। जब हमको पता है कि नेशनल डेवलपमेंट में सारे गोल्स डिफरेंट डिफरेंट है, अब डिफरेंट गोल है तो कौन सा गोल हम चूज करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के गोल्स हैं तो उसमें से कौन सा गोल लेंगे हम देश के भलाई के लिए, तो हम देश के लिए, देश की भलाई के लिए वही गोल चूज करेंगे, वही काम करेंगे जो नेशन के मैक्सिमम पीपल के भलाई करें। जैसे कि 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या है तो हम वो गोल फॉलो करेंगे जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा यानी 80 करोड़ 100 करोड़ ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या हो, जिसमें भलाई छुपी हो, यानी ज्यादा लोगों का जिससे डेवलपमेंट हो रहा हो, भले ही कुछ लोगों का उससे नुकसान हो रहा हो, तो हमें वो कार्य नहीं करना है, हमें वही कार्य करना है जिससे ज्यादा लोगों का क्या हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा हो, कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। That is, priority is given to goals which are beneficial for large number of people. And in national development के लिए ज़्यादा priority, ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है, जिससे क्या होता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या होता हो, भला होता हो। हमें कुछ लोगों के हो रहे एक्सप्लोटेशन को दूर कर देना, उन्हें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। और दूसरी बात ये कि वंस डेवलपमेंट में भी एक्सप्लोटेशन फॉर अदर्स, यानी एक का डेवलपमेंट कई बार दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होता है। तो ये जो चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ यहाँ हमें देखने मिल रही है कि नेशनल डेवलपमेंट के वक्त क्या होगा, ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो किसी का भला करेंगे तो किसी का नुकसान, तो ज्यादा लोगों का जिससे भला होगा वो कार्य करेंगे, और जिससे ज्यादा लोगों का नुकसान होगा वो कार्य नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने बात की है नेशनल डेवलपमेंट की। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने पढ़ा डेवलपमेंट की मीनिंग के बारे में, साथ ही साथ हमने डेवलपमेंट के गोल्स के बारे में भी पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, और तो और हमने बात की डेवलपमेंट के अलावा और जो इनकम के अलावा और भी गोल्स होते हैं उनकी बात की, और हमने ये भी देखा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल, तो आज का सवाल ये है कि डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है। जी हाँ, किन टर्म से डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, आपको फैक्टर बताने हैं कि ये ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप ऐसा किया जाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सही जवाब आप कमेंट में दीजिए, विनर्स के नाम अनाउंस होंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।